एंड वेलकम बैक टू गुजरात। हम अभी मौजूद हैं बॉयज पावर के अंदर। जैसे आपने देखा गर्ल्स पावर के ओवर टेक ओवर हो गया यहाँ पर, एंड मी एंड जॉर्ज हैव कंप्लीटली टेकन ओवर। बॉयज रूल, बॉयज रूल मैन। जितनी भी तमाम लड़कियां हैं भाई, आप लोग कॉल करके बताएं कि गर्ल पावर क्यों होनी चाहिए। I don't think so. वैसे आप लोग कॉल कर सकते हो नीचे, अगर मेरे डायरेक्टर साहब आप लोगों को नंबर दिखा दें तो आप लोग नंबर ही देख सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से हमारे पास कॉल है। कॉल है? Let's pick up the call then. Let's see who's on the line. Hello. Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? इकरा। इकरा जी। इकरा कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इकरा देख रही हो बॉयज पावर यहाँ पे सीन ऑन है जी। बॉयज पावर का बोर्ड भी लगा दिया है गर्ल्स पावर के ऊपर। क्या हुआ? जीपी के ऊपर उमर का बोर्ड लगा दिया है। हाँ, इसलिए तो लगाया है ताकि आपको पता नहीं लगे ये बॉयज पावर है। मोनोग्राम प्रिंट होने गया है, वो आ जाएगा अगले कुछ एपिसोड में। अच्छा इकरा, मुझे ये बताओ कि क्या सारा पिंक है? ब्लू होना चाहिए था। ब्लू होना चाहिए था। हाँ, बॉयज पावर है। अच्छा, वो बॉयज पावर हम कर लेंगे ना। पिंक हम तो अभी 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 तो आए हैं। अभी तुम देख रहे हैं यहाँ पे जो ना फ्रेडी का मास्क होगा, जेसी का मास्क होगा, बहुत कुछ होने वाला अभी, बहुत कुछ होगा। तुम्हें नहीं पता क्या सीन ऑन है अभी? इकरा डीमन डालेंगे पीछे। इकरा ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है बॉयज पावर? बहुत गर्ल्स पावर हो गया, हमने सोचा बॉयज पावर कर ले थोड़ा। नहीं, फिर बॉयज का फेवर हो जाएगा, मैं तो गर्ल हूँ। तुम गर्ल हो, मगर तुम सपोर्ट तो बॉयज को करोगी ना यार। मैं गाना सुनाऊंगा ना फिर। अच्छा तो ठीक है, ये हुई ना बात। अच्छा मुझे ये बता, तुम्हें कोई अच्छा सा गाना गाना तो आता ही है तुम्हें, तुम बहुत ही मशहूर हो इन चीजों में। शी इज वेरी टैलेंटेड बाय द वे। इकरा, इकरा एक ऐसी टैलेंटेड यार, इसके अंदर इतना टैलेंट है कि आवाजें भी निकालती है, ये गाने भी गाती है, उसके अलावा तकरीबन शी इज जस्ट मल्टी टैलेंटेड। लेट्स हैव अ प्रीव्यू देन। लेट्स हैव अ प्रीव्यू देन। मेरे ख्याल से कुछ सुनाओ तुम, फिर उसके बाद जोजी तुम्हें कुछ सुनाएगा, सही है ना? क्या सुनाऊं? कोई अच्छा सा जबरदस्त सा गाना सुनाओ। आप बताएं कौन सा। यार मी पर्सनली आई वुड लाइक अ सॉन्ग यू नो दैट्स वेरी ओल्ड या तो वेरी न्यू। जो उसको याद हो, वो जो उसको कंफर्टेबल हो, जो तुम्हें याद हो, व्हाटएवर यू कंफर्टेबल इन, गो फॉर इट। इकरा है जरा सुना दूं? हाँ सुना दो। यारों जी भर के दिल पर लगता है आज कल दौर अपनाएगा, यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू, है जुनू सा जीने में, है जुनू, है जुनू सा जीने में। क्या बात है इकरा, इकरा, इकरा मैं तुम्हारा फैन बन गया हूँ भाई, तुम्हारे नंबर वन फैन, नंबर टू फैन ये मौजूद है, सही है ना? तुम्हारा सीन ऑन है लड़की। मुझे ये बताओ कि टॉपिक के वाले से कुछ बोलोगी? स्पोर्ट्स। मैं सिर्फ एक स्पोर्ट्स देखती हूँ, क्रिकेट। हाँ, मैं सिर्फ एक ही स्पोर्ट देखती हूँ, क्रिकेट। क्रिकेट ओनली। अच्छा क्रिकेट देखती हो तुम, तुम्हारी आवाज है ना बड़ी बड़ी दूर से आ रही है, पता नहीं क्या सीन है आज, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे मुझे ये बताओ कि इकरा कौन सा स्पोर्ट्स तुम्हें क्रिकेट अच्छा लगता है, राइट? जी। सो क्रिकेट के वाले से मुझे बताओ, हमारी जो पाकिस्तान टीम है उसके बारे में क्या कहना है? थोड़ी सी चेंजेस भी आ गई है, जैसे आपने देखा शुएब अख्तर इन हो गया, शुएब मलिक इन हो गया, यूनुस खान इन हो गया। शुएब अख्तर वापस आ गया? हां भाई, तुम्हें पता ही नहीं है, सीन ऑन है भाई। वी गॉट द फेसर बैक। यह मैं, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? अभी तो कोई ख्याल नहीं है। हाँ, फिर भी एक दो एक और बार वर्ल्ड कप जीत के आओ। एक और बार वर्ल्ड कप जीत जाओ? बार बार, बार बार जी। अच्छा, अगर अगर बार बार तो नहीं जीत सकते ना। अब बार बार कैसे जीतेंगे? एक दफा जीत के दूसरी दफा तो उनको हारना ही होता है। तुम्हें ये सीन पता है ना? नहीं पता? नहीं, अभी पता चला। अच्छा मुझे ये बता, तुम अमोर आइसक्रीम खाती हो? नहीं ना, मिलता ही नहीं अमोर का वो। क्यों नहीं मिलता यार? कहाँ तुम ढूंढ रही हो यार? कैसे नहीं मिलता? किस इलाके में रहती हो तुम? मैं डिफेंस में रहती हूँ। डिफेंस में रहती हो? तुम्हें अमोर आइसक्रीम नहीं मिलती? खुदा की कसम, क्या किस किस वाले कौन से वाले डिफेंस में रहती हो भाई तुम? डिफेंस में तो बड़ी मतलब अमोर आइसक्रीम तो हर जगह मिलती है यार। नहीं मुझे मिलती नहीं है, इतना ढूंढती हूँ। चलो इकरा, हम तुम्हें तुम्हें तुम्हारे घर में जो ना मेल कर देंगे अमोर आइसक्रीम, ठीक है? इट्स सो इन, सही है, इन डिमांड द मिला। अच्छा जोजी से, जोजी से कोई बात करना चाहोगे इनके एल्बम के बारे में? आई लव योर सॉन्ग, दैट्स माय मामा, थैंक यू सो मच इकरा। हाय इकरा, कैन यू सिंग इट फॉर मी, दैट्स माय मामा, दैट्स माय मामा जी, बिल्कुल गा सकते हैं आप। श्योर वी कैन सिंग इट लाइव फॉर यू। ओके, हियर यू गो, हियर यू गो इकरा, सिंग अलोंग। ओके ओके, यू हैव टू सिंग विद मी। ओके, सिंग विद हिम। ओके, शी इज द शैडो आउट इन द हॉट सन, शी इज द वन हु चीज यू टू हैव फन, शी इज द वन हु वाइप योर टीयर्स, शी डजंट वांट यू टू क्राई, शी इज द वन हु हेल्प्स यू फॉर द फर्स्ट स्टेप, शी इज द वन हु बेयर्स ऑल द मिस हैप, she's the one who bears all tears and never say goodbye. And that's my mama, see that's why, and that's your mama.
गाने वो भी इकरा को हम डेडिकेट करने वाले हैं, इनके फैन बन गए। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाया इसने, जुनून बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा गाया। सुकौती के साथ जाके चेक करते हैं, नेक्स्ट गाना इज डेडिकेटेड टू इकरा एंड कीप कॉलिंग। इसी तरह आप लोग भी कॉल करें, हमें बताएं, हमारे टॉपिक के वाले से गुफ्तगू करें हमसे कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के वाले से क्या ख्याल है आपका, जितने भी तमाम स्पोर्ट्स हैं जिसके बारे में भी आप बात करना चाहें कॉल करें हमें। एंड लाइव राइट नाउ, सो गो एंड चेक आउट द सॉन्ग, वापस आएंगे फिर जोजी के साथ और गाने सुनेंगे।